हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूँ जर्नी मिस्टर कोल में। तो आज छठ पूजा का दिन शाम का जो है वो अर्घ हो चुका है उगते हुए सूरज का, और चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं शक्तिनगर। अभी फिलहाल हम लोग बस स्टैंड से होते हुए, और शक्तिनगर में चिल्का झील में बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल मार्केट पूरा उठता हुआ बस स्टैंड का, और ये हम लोग आ चुके हैं NTPC शक्तिनगर के चिल्का झील में, जहाँ पे शाम का समय है और अर्घ देने के बाद जो है लोगों की आप भीड़ देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है सारे NTPC के जो एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे यहाँ के लोकल निवासी हैं खड़िया के, शक्तिनगर के या आसपास क्षेत्र के, वैरन के, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आकर के छठ पूजा मनाते हैं और पूरी तैयारी करते हैं। और रात भर मैं आपको बता दूँ कि सब लोग जो है पूरे अपने सोने की व्यवस्था तक सब कुछ यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि रात भर यहीं रुकते हैं और पूरा आनंद लिया जाता है। जो व्रती होती हैं वो सब यहाँ पे अपने परिवार के साथ रुक करके जो है छठ का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जैसा कि आप सामने आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से जो है कोरोना के कारण जो है 2 बार से छठ यहाँ पे नहीं मनाया गया था, और पिछले 2 साल से लगभग जो चिल्का झील का जो ये पार्क है उसको भी बंद किया गया हुआ था। फिलहाल जो है ये पूरा आप खूबसूरत से नज़ारा पुराने समय के हिसाब से देख पा रहे होंगे, और सारे लोग अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, बिल्कुल एक मेले जैसा आयोजन यहाँ पे रहता है। बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ NTPC के जो CISF है और जो पूरी प्रशासन है यहाँ पे पूरे मुस्तैद होकर के छठ पूजा का आयोजन जो है बहुत अच्छे से करती है। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत देखा था कि जो नियरेस्ट प्रोजेक्ट है NCL का खड़िया प्रोजेक्ट, वहाँ पे किस तरह से छठ मनाया गया उसका पूरा आपको मैंने व्यू दिखाया। ये देख पा रहे हैं खूबसूरत, बहुत ही भव्य तरीके से चारों तरफ ये आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आप इस पूरे जो एक हर्षोल्लास का एक छठ पर्व का जो त्यौहार है उसको लोग कैसे मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब आप देखें। और इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो चीज़ बिल्कुल जैसी है वैसे ही रॉ रख करके आपको दिखाया जाए, देखा जाए, कि बहुत दिनों के बाद जो है इस चैनल पे आप छठ का पूजा का जो है वो वीडियो आया हुआ है। और यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे और आपको अगले दिन सुबह मॉर्निंग का जो अर्घ होगा उसको भी आपको दिखाएंगे, जिसको भी खड़िया NCL खड़िया प्रोजेक्ट से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आप सब उसका आप आनंद लें। और जिन लोगों ने बहुत दिनों से जो है मेरे वीडियोस नहीं देखे, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, और धीरे धीरे ठंड का मौसम भी बढ़ते जा रहा है, तो कोशिश की करूँगा कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मैं दिखा सकूँ इस चैनल पे। और इसी तरह से आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे, तो और इन्जॉय करें आप।
जैसे कि आप बाहर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है जागरण का भी आयोजन पूरी रात भर एक बहुत ही मनमोहक संगीत का कार्यक्रम भी यहाँ पे पूरा का पूरा एक व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो इस पूरा पर पूजा का आयोजन कराते हैं, चाहे यहाँ के ग्राम प्रधान हो, चाहे यहाँ के लोकल पॉलिटिकल जो पर्सनस हैं, उनके द्वारा जो है कोशिश की जाती है डीपीसी के कैंपस के अंदर जो है ये भव्य संगीत का कार्यक्रम भी किया जाएगा जो रात भर चले। चलिए, खूबसूरत सी सुबह की अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे का ये टाइम है, 4:30-4 बजे तक लोग सारे लोग आ चुके हैं घाट पे। ये खड़िया एंसल खड़िया का जो ये छठ का घाट है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सब परिवार सहित सब लोग सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए पहुँच चुके हैं, और हल्की हल्की सी बहुत ही भीनी सी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है फिलहाल मैं आपको बता दूं, और बहुत ही खुशनुमा सा एक मौसम है। तो इस छठ के महापर्व आप सबको बहुत बहुत बधाई है परिवार सहित, और धीरे धीरे जो है वो सुबह की बेला आती हुई और सामने जो है सूर्य देवता कुछ देर के बाद सबको दर्शन देंगे, और इस पूरे व्रत जो कि बहुत ही कठिन व्रत होता है अपने पूरे सारे व्रतों में से, ये देख पा रहे हैं सामने, मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ और उनसे भी आपको मुलाकात हो जाएगी। देख पा रहे हैं लोग छठ मैया का व्रत करते हुए सामने सूर्य देवता का इंतज़ार हो रहा है, और धीरे धीरे सूर्य देवता जो है वो बाहर निकलेंगे, और लोगों की जो आस्था है, जो एक श्रद्धालुओं को जो मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होंगी। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं सामने, आप सब एंजॉय करें और कोशिश करें कि जब आपको समय मिले तो आप अपने क्षेत्र शक्ति नगर सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थित है, आप अगर यहाँ के निवासी हैं, चाहे आप यहाँ आपकी फैमिलीज रहती हों, चाहे आप बाहर पढ़ने गए हो, जॉब के लिए गए हो, तो इन सब इस महापर्व में जो है अपने परिवार के साथ सम्मिलित होकर जो है हर्षोल्लास के साथ आप इस व्रत को देखें करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। Thank you.
तो धीरे धीरे जो सारे श्रद्धालुगण हैं जिनका आपका छठ का व्रत था वो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद उसी जब धीरे धीरे प्रसाद का वितरण करने के साथ लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए, तो आप सब मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस छठ पर्व में आप कहाँ कहाँ गए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, ज़रूर बताएँ कमेंट करके। और अगले सफ़र में मिलेंगे हम आपको, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी जा करके आप जुड़ सकते हैं।